जहां एक तरफ सूबे की योगी सरकार महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा देने की बात करती है, वहीं योगी सरकार में बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती हैं। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र ईसापुर गांव का है, जहां किसान की नाबालिग बेटी शाम के समय दुकान से सामान लेने गई थी। जब वह घर लौट रही थी तभी उसे कुछ मनचलों ने बुरी नीयत से पकड़ लिया और जंगल की तरफ ले जाने लगे। लड़की ने जब शोर मचाया तो ग्रामीण उस ओर दौड़ पड़े। ग्रामीणों को आता देख युवकों ने लड़की का सिर फोड़ दिया और ग्रामीणों पर फायरिंग करके फरार हो गए। गांव की तो दुकान गई, मेरी लड़की ने खींच ली पकड़ के सांझ खर। किसने है? बाले सुरेंद्र मास्टर लोना बाले रविंदर ने और सोनू ने और बाले राजेश ने और वीर सिंह ने। ये तो मारपीट कर ही रहा है मेरे लड़कों के सामने, मेरे लड़कों को मारे हैं और हमें मार रहा है खींच खींच के सब। क्यों मारते हैं आपने पूछा नहीं इनसे? अब जब इनसे शिकायत करें तो मार ही रहा है हमें, तो कमजोर पार्टी हमारी। मैं स्विट्जरलैंड गई थी दुकान पर, तो उन्होंने लड़कों ने पकड़ लिया, फिर घर से बाहर गए। फिर मैं चिल्ला गई तो भाई भाई भी मारे थे। ये आपके सामने चोट के लिए आपसे मारपीट भी की थी? और कौन कौन था, क्या बंदे थे? चार तीन एक भांजे थे और भांजे एक भतीजे ना थे। प्रधान का नाम क्या नाम प्रधान का? ये कहते हमारी बहन दुकान से सौदा लेकर जा रही थी, मैंने देखा इन लोगों को तो ये खींचतान कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रविंदर, विकास, राजेश और वीर सिंह, सोन। क्यों ले जा रहे थे? खींच के ले जा रहे थे। कहाँ ले जा रहे थे? ये जंगल की तरफ ले कर जा रहे थे। मैंने इन पे लोगों को बचाने की कोशिश करी थी, ये लोग कहते हैं मुझ पर मारपीट करी थी और इसके मतलब इसके जाने की कोई भी चीज मारी हो। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सारे युवक गाँव के ही है और दबंग परिवार से है। शाम 7 बजे लड़की सौदा लेने गई थी दुकान पे, वहाँ से वापसी में लौटी, वहाँ प्रधान जी के भतीजों ने 4-5 लड़कों ने इसको पकड़ के खींच लिया। खींचते समय इसका लड़की का भाई आ गया। भाई जैसे आया का कहते दोनों भाई आ गए, उन्होंने लाठी चार्ज करी, लड़कों को भी मारा, लड़कियों को भी मारा। फिर उन्होंने उसके बाद में जब और इकट्ठे हो गए तो उन्होंने फायरिंगबाजी शुरू कर दी। हथियार थे उनपे? धारदार हथियार भी थे उनपे। ये घटना हुई और प्रधान के भतीजा ज़्यादा तर छेड़खानी मतलब करते रहते हैं लड़कियों के साथ में। जी राज्य ये मारपीट की है और छेड़खानी की है, लड़की से क्या बात है? उसके छोटे वोटे भी आई हैं? हाँ, कम से कम 6 सेंटीमीटर लंबा और कम से कम 3 सेंटीमीटर गहरा घाव जख्म दिया है। जानलेवा हमला है। वहीं किसान ने अपनी बेटी के साथ हुई इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस से इंसाफ की गुहार भी किसान लगा रहा है। ये दुकान पर गई थी इन्होंने, प्रधान के भतीजों ने और सब ने घेर के मारी, फिर लड़का गया, लड़का को मारा इन्होंने। जंगल की तरफ ले जा रहे थे? खींच के ले जा रहे थे जंगल तरफ। क्या जब मारपीट में आपकी बेटी की चोट आई है? हाँ, बहुत चोट आई है। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से शहादत अली की रिपोर्ट।